आई वुड रिक्वेस्ट द टीम टू डू द नेसेसरी सो दैट इनको बिल्कुल यकीन है था ये फिल्म भी बन सकती है. जस्ट यू मी द मेन पर्सन जहां से ये यात्रा शुरू हुई गांधी गुड़ से एक युद्ध. असगर साहब आप कुछ कहिए. एक्शन भी इसमें कम है. इन्होंने जब मुझसे पहली बार कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैंने ये समझा शायद ये और सच्चाई की तलाश में जितना मैंने इनको लगे हुए देखा बहुत बुरी बात थी जो कुल मिला जुला करके इस फिल्म के लिखने में और इसकी शूटिंग में और बाकी चीज़ों के दौरान. देखिए जब प्ले पढ़ने को मिला जब प्रश्न ने प्ले बना दे रहे हैं उससे ज़्यादा उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं बहुत आरोप लगे हैं और बेचारे को वक्त नहीं मिला उस आरोप का सफाई दे सके. आज तक लोग सवाल कर रहे हैं भाई गांधी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया उन्होंने वो चाहे तो बचा सकते थे और 75,000 करोड़ देना था 55 करोड़ गांधी जी ने जीत करके 55. लेकिन सवाल राजकुमार सर ये भी उठेगा कि क्या एक हत्यारे को उस तरह की वॉइस देना उसे एक जस्टिफिकेशन का मौका देना ये कितना सही है. बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है. आप गोडसे वास्तव में सुपारी किलर गोडसे कोई टेररिस्ट नहीं था गोडसे हम जैसे एक इंसान था उसने एक एक्ट किया एक कदम उठाया. अब सही गलत वो इतिहास पीछे में डायलॉग भी है तुम्हें शर्म करना चाहिए गर्व करना चाहिए इसका फैसला इतिहास करेगा. हम इतिहास में हैं आज तो लेट द यूथ डिसाइड आफ्टर हियरिंग गोडसे आफ्टर हियरिंग गांधी क्या सही है क्या गलत है. लेट पीपल डिसाइड. एज ए फिल्म मेकर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ. इतिहास को हिस्ट्री को एक ऐसा एक्सटेंशन देना जो हुआ नहीं है, है ना. और वो काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है जो लिटरेचर में बहुत कॉमनली यूज आजकल होती है. उसी के तहत जो है कोई ब्रिज बने जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें ऐसी कोशिश कम होती है. तो ये एक उस तरह की भी कोशिश है जो की गई है आप लोगों के सामने. हाँ यू नो स्कूल के साथ दिग्गज के साथ काम करना डिलीवर करना. अरे भाई सबसे पहले तो आई वांट टू जो इस तरह के सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं इस तरह के फिल्म देखना पसंद करते हैं वेरी डिफरेंट. आवर्स इज नॉट अ सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ फिल्म इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड है. तो दोनों अपनी अपनी जगह है फिल्म. तो मुझे मैं कभी चिंता नहीं करता उस चीज़ का कि सामने वो है या ये है वगैरह. ओनली फोकस प्योर. मुझसे मैं स्टार्ट करूँ जॉब. यस सर. हाँ तो ये बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता है कि गलत है कि उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और वो मौका उसे गोडसे को नहीं मिला वो गलत है. और मेरे इस ख्याल से कई यूथ वो एडिट 15 मिनट बुलाया हमको अजगर साहब हम लोग सब गए अंदर तो उसे 6-7 औरतें भी थी एक मिस्ट क्राउड था औरतों की आंखें नम थी. तो जैसे मैं अंदर गया दी सेंसर ऑफिसर लेडीज थे बोला राजी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे फिल्म में आप हमको रुला देंगे एंड में आके बहुत अच्छी फिल्म बनाई. तो सारे लोगों ने एक मत से कहा इट्स अ वेरी गुड फिल्म. तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरी टीम को. मैं बड़ा ह्यूज फैन हूँ किरवानी जी के MM करीम के एंड ये मोमेंट तो बहुत पहले उनके लाइफ में आना चाहिए था क्योंकि हमेशा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक दिए हैं और राजमौली सर बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं. तो इनका कंबाइंड एफर्ट है उन्होंने किरवानी ने एडमिट किया वो टीम एफर्ट उनका भी था. बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनको और उन्होंने सिर्फ यूनिट को नहीं पूरे देश को प्राउड किया. हम भी ऑल एस इंडियन वी मस्ट फील प्राउड उन्होंने जो काम किया है हम गर्व महसूस करते हैं. उनको अवार्ड मिला ऐसे लग रहा है कि हमको पूरे देश को अवार्ड मिला है. वेदर वर्थ है उस पिक्चर का तो ठीक है वरना कई लोग बोलेंगे नहीं आता तो अच्छा था यार कि कमी तो थी नहीं इस आदमी की जो ठीक ही था रिटायर हो गया तो ठीक ही था करके. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्म लेकर आया हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायर किया है और मेरे करियर में ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है ये. अच्छा लगा मुझे ये फिल्म करते हुए ये बात कहते हुए. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म और मुझे उम्मीद है कि जो देखने वाले मीडिया भी हो और लोग भी हो वो भी पसंद करेंगे ऐसा मेरा उम्मीद है. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर असगर वदाद साहब जो प्लेराइट हैं एंड आज के वक्त हिंदी साहित्य में इनका बड़ा नाम है. बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारे प्लेज ये लिखे हैं इन्होंने. इनफैक्ट हमारी दोस्ती भी इनका बहुत ही चर्चित एक प्ले है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं. तो उस पर हम काम कर रहे थे एंड वो फिल्म हम प्लान कर रहे हैं अभी शुरू करेंगे उसको मार्च में वो फिल्म शुरू कर रहे हैं. वो सनी के साथ कर रहा हूँ सनी देओल के साथ.
तो दीपक जी आए मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि वो स्टेज में गांधी का रोल कर चुके हैं, जो मैंने देखा नहीं था, कुछ फोटोग्राफ एल्बम देखा है। एंड आदमी बड़े विनम्र लगे और डाउन टू अर्थ लगे। एंड मैंने आज तक अपने करियर में कभी ऑडिशन नहीं लिया, किसी का ऑडिशन नहीं लिया। आई जस्ट मीट अ पर्सन, आई गेट सम कॉन्फिडेंस विद इन मी, उसको देखता हूँ। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आदमी ग्राउंडेड है एंड अच्छा इंसान है। मुझे मेरा विश्वास है जो इंसान अच्छा है वही अच्छा कलाकार बनेगा, वही अच्छा अभिनेता सक्सेसफुल होंगे। तो आई इमीडिएटली टुक हिम एज अ गांधी फॉर दिस फिल्म। प्लीज़ आप बताइए आपका। दीपक जी नमस्कार। थोड़ी लंबी बात है, शॉर्ट में बोलिए, बहुत लोग आने वाले हैं। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ गुजर चुकी थी, तो मेरी वाइफ ने मेरी माँ को देखा नहीं, और जब वो ज़िंदा थी तब ये गांधी वाला मामला शुरू नहीं हुआ था। तो जैसे ही गांधी का कैरियर डेवलप होता गया तो मेरी वाइफ मेरी माँ की फ़ोटो के सामने देखकर हमेशा प्रार्थना किया करती थी कि दीपक का टैलेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना चाहिए। सो आई प्रे टू गॉड कि कोई ऐसा लेजेंडरी बॉलीवुड का या हॉलीवुड का डायरेक्टर गांधी के ऊपर फिर से कुछ बनाए और उसमें दीपक को कास्ट करें, और जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, ये सपना आज मैं पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि जनवरी 2019 में, जैसे सर ने बोला, एक न्यूज़पेपर में मैंने छोटा सा न्यूज़ पढ़ा कि सर गांधी गोडसे बना रहे हैं और राजकुमार राव गोडसे के लिए मना किया, नसरुद्दीन शाह गांधी के लिए मना किया। सो आई थॉट ही इज़ इन सर्च ऑफ गांधी एंड गोडसे। सो आई ट्राइड टू अप्रोच हिम थ्रू माय रिसोर्सेज। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त है जितेन पुरोहित, जो इम्पा इफड़ा में काफ़ी एक्टिव है, उसको मैंने बताया तो ही सेड कि समझ लो तुम्हारा काम हो गया, मेरा अजीज दोस्त कश्यप चंदोक ही कास्टिंग कर रहा है, यू सेंड मी फोटोग्राफ्स एंड ऑल। सब भेजा और विद इन 24 आवर्स आई वॉज, मेरा ड्रीम जैसे पूरा हो रहा था। उन्होंने बिना कोई ऑडिशन लिए, सिर्फ मेरे फोटोग्राफ्स और थोड़ा यूट्यूब लिंक देख के कन्फर्मेशन दिया, और एंड तक कोई ऑडिशन नहीं लिया। फिल्म के दो दिन पहले मैंने सर को बोला, बोला सर एक का सीन एटलीस्ट चिन्मय के साथ पढ़ लें तो मुझे भी पता चले कि हमारा केमिस्ट्री कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो बोला हाँ ठीक है पढ़ लो। हमने एक ही सीन पढ़ा, आई वॉज मिमिकिंग गांधी जीज वॉइस। सो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया कि आप गांधी जी का वॉइस का मिमिक्री मत करो, यू बी ओरिजिनल एज दीपक अंता नहीं बोलो, इसके सिवा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। सर तो एक स्कूल है, इनके पास से मैंने एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ ये प्रोजेक्ट के दौरान सीखने मिला है। सो थैंक गॉड। अकेला सा हो गया था बिकॉज इस तरह के फिल्म को सहारा मिलना, सपोर्ट मिलना, नॉन स्टार कास्ट फिल्म आज के वक्त रिलीज कर पाना एक अपने आप में बड़ा युद्ध है। ऐसे वक्त में मुझे दीपक जी यहाँ पे हैं, दीपक जी कहाँ पे हैं, दीपक जी इधर खड़े हो जाएंगे, दीपक जी प्लीज़ आइए। ये दीपक शर्मा जी हैं, ये PVR में COO हैं, इन्होंने मेरा हाथ थामा, इन्होंने फिल्म देखने के बाद में फिर हम रुके नहीं, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा राजीव फिल्म बहुत अच्छी बनाई है एंड ये हम रिलीज करेंगे। सो दिस इज़ अ लाइफ टाइम, बिकॉज मैं जब हमारा तय हुआ और मैं घर पे फ़ोन किया कि आज संतोषी सर से मिला और एग्रीमेंट हो गया एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म, तो मेरा बेटा है ही इज़ फैन ऑफ संतोषी सर, अंदाज अपना अपना के एक एक डायलॉग उसको याद है, वो साथ साथ में बोलता है जब फिल्म रिलीज दिखती है टेलीविज़न पे। तो बोला सर पापा राजकुमार संतोषी, अंदाज अपना अपना वाला। सो इतने बड़े यू नो स्कूल के साथ, दिग्गज के साथ काम करना, डिलीवर करना, मेरे ख्याल से इससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस या इससे एक्सट्रीम मेहनत आज तक मैंने नहीं सोची थी और मैंने नहीं की है। मुझे पूरा निचोड़ लिया है इस फिल्म में उन्होंने, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एज एन आर्टिस्ट, एज अ मेकर, हमें काम करना चाहिए। मेरे पास जब ये फिल्म आई, मुझे जब ये फिल्म राज जी ने नरेट की, तब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इस फिल्म का कहना क्या है,
ये फिल्म क्या कहना चाहती है। तो अगर फिल्म का जो कहना है वो बहुत ज़रूरी है, वो कहा जाना ज़रूरी है, तो उसमें आप किसका पात्र कर रहे हो? आप हीरो हो, आप विलन हो, आप रावण हो, आप क्या हो, वो अहमियत नहीं रखता। वो फिल्म का कहना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हाँ, ये बात तो तय है कि जब आप नथुराम गोडसे जैसा कैरेक्टर करते हो, जो अपने आप में बहुत ही विवादास्पद कैरेक्टर है, तब बैक ऑफ द माइंड कहीं ये रहता है कि शायद इसके ऊपर से कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन वो उतना ही रहता है। उससे ज़्यादा अगर मैं उसके बारे में सोचने लग जाऊँ तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा काम एक्टिंग करना है, मेरा काम कंट्रोवर्सी करना नहीं है। वो जिनका काम है वो अगर करना चाहे तो वो कर लेंगे। आई थिंक एवरीथिंग गॉट अ लॉट ईजियर व्हेन आई जस्ट सॉ लाइक दीपक सर एंड फ्रंट ऑफ मी हु लुक्ड एग्जैक्टली लाइक महात्मा गांधी। लाइक यू नो, आई फील हाफ द बैटल वाज वन बिकॉज ही जस्ट लुक्ड द पार्ट, एंड लाइक इफ ही वाज ऑन सेट आई वाज लाइक शुड आई सिट ऑन द फ्लोर, लाइक व्हाट शुड आई डू, बिकॉज ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक हिम। So when you talk about liberty, obviously there was my father there to, you know, tell me like how far I can like stretch it. Obviously the love story is not like an intense love story, it's a sweet love story. Aaj ke daur ki picture hoti to hum thodi bahut liberty le pate, but hum 2022 ya 23 mein nahi jee rahe the, hum ab se 70 saal pehle jee rahe the. Us zamane mein chaal chalan alag tha, baat karne ka tarika alag tha. To jab humne Deepak sir ko Chinmay sir ko acting karte hue perform karte hue dekha, और राज सर ने जब हमको डायरेक्ट करा, उन्होंने हमको समझाया, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया था। तो ये है कि फिल्म बनाने का पर्पस ये था, मकसद यही था कि उस शख्स को भी जाने जिनका नाम है नाथुराम गोडसे, उसको भी लोग जाने, एंड व्हाट ही स्टूड फॉर वो इम्पॉर्टेंट है। भगत सिंह के टाइम पे भी यही था। एक बार जब किताब भगत सिंह की पढ़ी, मैंने बोला जानते ही नहीं उसके बारे में, सिर्फ यही जानते, इतना ही जानते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा और वो स्कॉट की हत्या कर दी, इन लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, यही जानते हैं और कुछ नहीं। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था भगत सिंह, जिसका नाम है, कम उम्र में जो फांसी चढ़ गया 23 साल की उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, उसको हाईलाइट करना चाहिए था। उसके साथ बड़ी नाइंसाफी। तो आज मेरा जो लोगो है बैनर, भगत सिंह का लोगो है, आप लोगों ने देखा होगा, जो संतोषी पड़ोस का लोगो है, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, उसको जीवित रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ यूथ का आइकॉन वो होना चाहिए, मतलब उसके तरह से विचार करना, सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये गोडसे का जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल पर्पस यही है, फिल्म में एक टेबल पे, मंच के ऊपर एक बात को रखना ताकि लोग उस पर बहस करें, डिस्कस करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देन द अदर डिस्कशन जो होता है फिल्मों को देख के जो होता है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, अकेले में बात करूँगा तो बताऊँगा, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। द अदर पार्ट इज़ दैट गोडसे रिसेंटमेंट टूवर्ड्स गांधी वॉज दैट गांधी वॉज एडमेंट द लॉट ऑफ थिंग्स, like Patel was sidelined, everybody voted for Patel to be the contender to become the PM, but Gandhi ji ne deliberately unko sideline kiya, Subhash Chandra Bose ke sath bhi unhone ye kiya hai. To Gandhi ji's behavior was very autocratic, wo bilkul wo democracy ke hisab se film mein dialogue hai, loktantra ki baat karte hain, bahumat ka samman nahi karte aap, aur problem ye tha ki Gandhi ji ke samne sabhi logon ne ghutte tek diye the, koi baat koi vichar rakh hi nahi sakte, to how to progress, how to collectively move ahead. तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर अदर बिसाइड्स दैट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। जो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल, वो एक पॉइंट था गोडसे का, वो फिल्म में है। एंड गांधी जी क्या जवाब देते उसका, वो ऐसा क्यों बिहेव करते थे गांधी जी, वो भी जवाब है फिल्म में देख पाएंगे आप। तो बहुत थिंग्स है, वी हैव बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट, कभी किसी को ऐसा नहीं इसको बोलने का मौका दिया उसको नहीं दिया, ऐसा नहीं है। गांधी जी अपने पक्ष बराबर रखते हैं और गोडसे जो अपने उनकी जो शिकायतें हैं वो भी वो कहते हैं। अच्छा बिसाइड आई फॉरगेट आई मस्ट टेल वन थिंग, ये फिल्म जैसे बनाई, फिल्म में एक ड्यूएट था, गाना था जो रहमान ने बड़े प्यार से बहुत अच्छा कंपोज किया था, सबको बहुत पसंद आया था ड्यूएट, सिचुएशन था एक ड्यूएट का, रिकॉर्ड कर लिए थे गाने हम लोगों ने। बट व्हेन आई वाज एडिटिंग द फिल्म, मुझे ऐसा लगेगा फिल्म के साथ में ये गलत होगा, ये चीटिंग हो जाएगी, अच्छा नहीं है, बिकॉज जो फिल्म का जो मुद्दा है वो डायल्यूट हो जाएगा। तो आई नेवर इवन क्वेश्चन एनीबॉडी, आई स्टेड रिमूव द सॉन्ग, गाने की जरूरत नहीं है इस फिल्म में, लॉट डेट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कहीं लगा मुझे अच्छा, खूबसूरती यह है कि मेरी वाइफ ने भी प्रेशर नहीं किया, ना मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं नहीं मेरी पहली पिक्चर है, आधा गाना रख लो, ये मुखड़ा तो रख दो कम से कम, नोबडी। तो एवरीबडी थॉट व्हाट इज़ गुड फॉर द फिल्म, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिल्म इम्पॉर्टेंट है, बेटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिल्म इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे सारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी, अभी पिक्चर में डायलॉग है, गांधी एंड गोडसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्री, द नेशन। So all of us have to combine the effort to build a nation where there's a peace,
नेशन दैट मूव्स टुवर्ड द प्रोग्रेसिव इज नॉट पीछे. आज कई लोग भटकाया जाता है यूथ को छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे, बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए. तो वो न करते हुए मुझे चाहिए कि नेशन के तरफ ही होना चाहिए ध्यान. देश देश कैसे बिल्ड करें, देश कैसे बिल्ड करें और सब लोग हारमनी के साथ कैसे रहें. बिकॉज विदाउट हारमनी, विदाउट पीस, विदाउट जस्टिस, नो कंट्री कैन फ्लरिश, नो कंट्री कैन बिकम बिग. लाफ, आप इधर आ जाइए दीपक जी, इधर जाइए. कैसे हंसता मैं देखता हूँ. नॉट सपोज टू लाफ. स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने.